लास्ट क्लास में हमने जो है ना होस्ट को आईपी देना सीखा था, होस्ट के लिए करते थे ना। अब हम जी सर, कहाँ तक आ गए, अब हम क्या सीखेंगे, सबनेटिंग। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट किसके लिए आएगी, नेटवर्क के लिए नेटवर्क के लिए। तो पहले कौन सी क्लास में सिखाऊंगा, सी, फिर किसमें जाएंगे, बी, फिर किसमें जाएंगे, ए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ओके नेटवर्क सर, सीखेंगे, फिर उसके बाद सिखाऊंगा आपको एक और टॉपिक। मैं सिखाऊंगा आपको सुपर सबनेटिंग का पार्ट। कौन सा पार्ट सिखाऊंगा, सुपर सबनेटिंग, सुपर सबनेटिंग का पार्ट। ठीक है, चलो। अब ओके सर, देखो, जब आप होस्ट के लिए काम करते हो, जब आप होस्ट के लिए काम करते हो, तो बिट को क्या करते हो, ऑफ, ऑफ। जैसे ही आपके लिए नेटवर्क के लिए काम होने लगे, तो आपकी बिट को क्या करने लगोगे, ऑन, ऑन। बढ़िया। अब देखो, एक ईमेल आई है आपके पास, ईमेल में बोला गया है भाई चार नेटवर्क चाहिए। कितने नेटवर्क चाहिए, चार नेटवर्क, चार नेटवर्क। कौन सी क्लास से देने हैं, आपने सी बोला था क्लास, क्लास सी से दूंगा। चलो ठीक है, तो क्लास सी में कितनी ऑक्टेट फ्री होती है, एक ऑक्टेट। एक तो ऑक्टेट, ऑक्टेट में यही वैल्यू आती है, जी सर, 8 बीट्स, यही होती है। चलो, जी आपने सर, बोला सर फर्स्ट रूल, कौन सा है, तो डेसिमल टू बाइनरी, भाई डेसिमल वैल्यू कितनी है, 0000, चार है ना, तो चार जीरो है, 1 0 0 0 1 0। 0 0, चलिए दूसरा क्या निकालते हैं, डीसी टू सीएसएम, बोर ऑफ बिट। बोरो बिट हो गया, नंबर ऑफ 3 4 बिट, ध्यान से देख के बताइए, 4 बिट बोरो, पोजीशन नहीं बोरो बिट का मतलब होता है पोजीशन नंबर। देख के बताइए कितने पे आ रहा है, नंबर थर्ड, कितने पे आ रहा है, तीन पे। तीन थर्ड थर्ड पे, एक दो दो तीन तीन चार पांच छ थर्ड सात आठ। तो बोरो बिट कितनी हो गई, तीन। थ्री फिर क्या करते हैं, डीएसएम टू। टू सीएसएम, क्लास सी का बनाना है हमें, तो जी क्लास सी सर, का डीएसएम होता है 255 255 जीरो, जीरो। इस जीरो में कितनी बिट थी, तो 8 बिट, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एक एट दो तीन टू तीन चार चार पांच पांच छ सात आठ। अब देखो, आठ, ये जब भी आप नेटवर्क के लिए काम करोगे, तो बिट्स क्या होंगी, ऑफ हो जाएंगे, ऑन। ऑन होस्ट के लिए ऑफ ऑन होती है ना, तो कितनी बार बिट आई है, थ्री 1 2 3 टू थ्री ऑफ बिट ऑन करी, और बाकी की सारी बिट्स क्या कर दी। कर दें, तो भाई अब क्या बनेगा डीएसएम से, सबनेटिंग 190 डीएसएम टू सीएसएम फाइव निकाल, फाइव 255, 255 थ्री का 224, कितना आएगा, 220। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंट बिट कितना आएगा, इंक्रीमेंट बिट हो जाएगा सर हमारा 64, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 32 सर, 32। बहुत बढ़िया, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ब्लॉक बना लो, तो सीएसएम तो मेरा आपने बता ही दिया है, 255। 55, 255, 255, 224, इंक्रीमेंट भी आपने बोला है 32 का। अब देखो, पहला जो नेटवर्क निकलेगा, उसके जी लिए सर, मैंने एक एड्रेस लिख लिया, 192.168.1.0। अब भाई देख के होता, पहली ऑक्टेट फुल है, फुल है यस। सर, दूसरी, फुल है, फुल तीसरी फुल है, है। अब इसमें एक हो या जीरो कोई इशू नहीं है। नहीं है, फोर्थ वाली फ्री फोर्थ वाली फ्री है सर, है, क्योंकि वहां पे क्या कर रखा है आपने, 200, जीरो तो है, 24, उसका मतलब फ्री है। तो जी भाई ये सर, क्या बन गया आपका, कौन सा नेटवर्क है, ये ये नेटवर्क हो गया, फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, एज इट ओके, इज आ रहा हूँ, 192 168, 1 डॉट। कितने का इंक्रीमेंट है, तो 32 का, 32। ये कौन सा नेटवर्क होगा, ये सेकेंड नेटवर्क,
सेकंड। अब देखो 32 से पहले जाएगा 192, 168, 1 तक तो फिक्स है 30 पर, ठीक है बचा जाएगा ब्रॉडकास्ट 1.1 और 1.30 से वैलिड है आ गई। चलो जी सर, 5 मिनट आपको 4 मिनट को बनाना है ना, देखो फिर 32 का इंक्रीमेंट डाल दो, ठीक है बन जाएगा 3 मिनट 1.33 63 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट, और 33 से कहां तक जाएगी वैलिड आईपी 32 62 हो गया। चलो एक और नेटवर्क बना रहा, इंक्रीमेंट करते आना है 64 प्लस 32 ओके 96 कौन सा नेटवर्क है ये फोर्थ 95 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट 94 से अच्छा 65 से आएगा ना 65 से 94 ठीक है निकली वैलिड आईपी वैलिड आईपी क्लियर है यहाँ तक ओके। अच्छा इस फोर्थ नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट भी तो निकालना है ना 192.168.1.96 प्लस 32 चार नेटवर्क की बात हुई थी निकल गए। अब उसने पूछा भाई कितने नेटवर्क निकल सकते हैं, तो बिट कितनी उधारी पे लाए थे 3 और 2 की पावर 3 कर दो बस, माइनस तो करते ही नहीं है इसमें, नेटवर्क में नहीं माइनस होता, होस्ट के केस में करते हो। अच्छा कितने नेटवर्क निकाल दो 20 तो कौन सी क्लास दोगे क्लास सी, मैंने बोला भाई क्लास बी से करो इसको सॉल्व, किससे करो क्लास बी से, तो क्लास बी में मैंने बताया था 2 ऑक्टेट होती है जी, उसी ऑक्टेट में जाने की जरूरत है नहीं, नहीं जब 300 से ज्यादा नेटवर्क मांगे 300 मांगेगा जब जाना ना 256 से ऊपर जाती जी 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 यस। चलो पहला रूल डीएसएम इक्वल टू बाइनरी तो करता ही नहीं था मैं, नहीं स्किप। दूसरा बोरो बिट कितना आएगा 20 का, 20 का बोरो बिट 5 आ जाएगा। हाँ जी 5 चलो देख लेते हैं 128 32 16 8 नहीं आएगा 8 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया। चलो थर्ड नंबर में क्या करना है डीएसएम टू सीएसएम देखते रहो क्लास बी का 255.255.0.0 हो गया। चलो 255 5 बिट ऑन करना है 255 बहुत तेजी में चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ पे ध्यान देना है उसने बोलिए 5 बिट ऑन करो तो आपको यहाँ नहीं जाना है यहाँ पे फेल होगी पहले ठीक है थर्ड में जाना है थर्ड पे खेलेंगे 2 3 4 5 और बाकी सब क्या होंगे ऑफ हो गए ऑफ हो गए तो सीएसएम बन जाएगा 248.0। चलो फोर्थ नंबर पे क्या निकलेगा फोर्थ नंबर पे सर निकलेंगे इंक्रीमेंट बिट हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 8 हो जाएगा सर इंक्रीमेंट कितने का आएगा 8 बिट सर 8 कितने में से माइनस करा है सर माइनस 255 में से 256 में से माइनस करने पे कितना आता है 8 ठीक है इसको वैल्यू से मैं यहां से वैल्यू चेक कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। फिफ्थ नंबर में क्या बनाना है ब्लॉक बहुत सिंपल है आपको रूल याद हो गया ना तो ज्यादा देर नहीं लगेगी सीखने में 255 255 255 ऐसा था क्या नहीं 248.0 इंक्रीमेंट बिट 8 अब ब्लॉक बनाना है देखो जी सर
मैंने ले लिया 172.16.0.0, तो पहली ऑक्टेट फुल, फुल, दूसरी फुल, तीसरी में तो 248 था, नहीं होगा 248, क्या करेंगे हम, ये कौन सा नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क, फिर सेकंड निकालना है, देख लो भाई 172.16.8.0 थर्ड में 8 है, एट सेकंड नेटवर्क। अब एक बात और, 8 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 7.255, ये ब्रॉडकास्ट, और वैलिड आईपी 0.1 से 7.254 तक। अब दोबारा इंक्रीमेंट कर लो, 172.16.8 और 8 कितना जाएंगे, 16, ये कौन सा नेटवर्क है, थर्ड नेटवर्क, इससे पहले 15.255, 8.1 और 15.254, ये क्या होंगे वैलिड, और ये क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट। चलो ऐसे करते करते जाना है हमें, देख लो 16 में 8 का इंक्रीमेंट कर दो, 172.16.24, 23.225, 24 हो जाएगा भाई। चलो अब मैं इसके नहीं लूंगा, अब एक ऐसे ब्लॉक बनते हैं, तो 32.0 फिफ्थ, 172.16.40 सिक्स्थ, ओके 7.748, फिर 172, 256, ये आ रहा है ना, देखते चलना जी सर, 8.48, ओके 74, ओके हमारे हो गया ना सर। हाँ जी, 8 ही नेटवर्क निकालना है ना आपको, नेटवर्क निकालना है 20, तो 20 तक बना के दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, बाद में दिक्कत ना हो। ओके सर, आ तो गया है मुझे भी पता है। ऐसे चलते जाना, ठीक है भाई, ये ओके सारे सर, क्या निकले हैं, नेटवर्क 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चारों निकाल दूं, ये लो भाई जी, 120 पे है ना, 128, एक सौ छत्तीस, बताओ कितना आया, 152, लास्ट 16 पे छोड़ा था जी सर, 18, 19, 20। चलो मुझे बताओ सातवें नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, सातवें नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट 172.16.47.255, ध्यान से देख लो, 47 आएगा ना सर पहला, नहीं 48.255, नहीं 8 डॉट नेटवर्क से पहले क्या आएगा देख लो, सॉरी सर, नंबर 8 नेटवर्क से पहले कौन सी वैल्यू आएगी देखो, नंबर 8 से पहले वैल्यू 48 है ना सर, इससे पहले निकलेगा ना ब्रॉडकास्ट, तो या इसके बाद निकलता है, सातवें और आठवें नेटवर्क के बीच में निकलेगा ना, तो 55 हो जाएगा। चलो ब्रॉडकास्ट मुझे बताओ तेरहवें नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो तेरहवें नेटवर्क का सर हो जाएगा 108.255, वो 104 है, सॉरी सर, तो 103 सर, 103 .200.255। अब कितने नेटवर्क निकलेंगे भाई, तो मैंने बता देना यहाँ पे, बोरोबिट कितने आ गया, 5 पावर 2, कितने नेटवर्क निकल सकते हैं, 32, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 248 तक, क्योंकि प्लस 8 करोगे तो 256 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, तो 255 क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट, और लास्ट नेटवर्क क्या होगा 248.0 तक। क्लास बी क्लियर है, अब एक क्लास ए का लगा देते हैं,
आठ नेटवर्क चाहिए, कितने नेटवर्क चाहिए? एट नेटवर्क, लेकिन किस क्लास से चाहिए? ए क्लास से। क्लास ए से, तो रूल तो बताइए भाई। डेसिमल टू बाइनरी, बोरो बिट कितनी आएगी? फोर। टेप्स पे याद करना है इसको। डीएसएम टू सीएसएम 255.0 डॉट ए क्लास है सर। टू फिफ्टी फाइव डॉट एट हो गया भाई। ओके, फोर बिट ऑफ हो जाएगा। कितने बिट ऑफ करनी है? फोर, फोर बिट ऑफ करनी है। फोर बिट ऑन करनी है सर। हाँ यार, अब सीएसएम क्या आएगा? सीएसएम 240 हो जाएगा सर। 240.0.0.0। अब इंक्रीमेंट निकाल दो भाई। इंक्रीमेंट हो जाएगा सर 16। बहुत जबरदस्त। क्लास सी का, क्लास ए का क्या बनाने वाले हो आप? ब्लॉक तो मैंने, मुझे पता है भाई, 10 डॉट 10 डॉट ऐसे कर दूंगा, 0.0। अब देख के बताओ कितनी ऑक्टेट फिक्स है और कितनी फ्री है इस एड्रेस में। दो ऑक्टेट फिक्स हो गए ना सर। कैसे फिक्स कर दोगे? सीएसएम देख के बताना फिक्स है क्या वो। नहीं फिक्स नहीं है वहाँ पे सर, लेकिन इसी ऑक्टेट में तो आप जो 10.10 देंगे तो फिक्स हो जाएगा। मैंने जानबूझ के लिखा है देखने के लिए कि आपको पता चलना चाहिए। 10.0.0.0 ये क्या बनेगा? फर्स्ट नेटवर्क 10.16.0. सेकंड, भाई सेकंड ऑक्टेट में तो चेंज डालोगे जी सर। चलो फिर 10. ये कौन सा नेटवर्क? थर्ड, 10.48.0. जीरो डॉट 48 में प्लस करो 16। 48 में 16, 8 से 14, 14 से 1, 6, 5, 8 से 64। देख लो मैंने लिख दिया है जी सर आपका कैलकुलेशन। 16 का सेवेंथ नेटवर्क। ओके सर, तो जितना हमारा इंक्रीमेंट बिट होगा उतना ही नेटवर्क निकालेंगे ना सर। तीसरे नेटवर्क का 10.47.255.0। बहुत शानदार नेम जी, समझ में आ रहा है। 8 नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 10.87.255. फंस जाते हो। 8 नेटवर्क का तो इंक्रीमेंट रखना पड़ेगा ना। 8 नेटवर्क का, हाँ इसमें इंक्रीमेंट डालना पड़ेगा ना। तो 10.96. अब क्या होगा ब्रॉडकास्ट बताओ? तब भाई जब तो ब्रॉडकास्ट जाएगा 95 आ जाएगा सर। हाँ अभी नहीं, मैंने 8 का डाला है। अभी हमें कितने का डालना है यहाँ पे? 16 का। कितने का डालना है? 16 यहाँ पे डालना है। सिक्सटीन का इंक्रीमेंट डालना है। 112। हाँ जी जी सर। नहीं अभी को बस क्लियर है यहाँ तक। देखो जी सर, बताओ 8 नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 8 नेटवर्क का हो जाएगा सर 10.119.255.0। बहुत बढ़िया। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जब तक मैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, दो क्वेश्चन, फिर मैं आके दोबारा क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा डिनर